ओम सर्व मंगल मांगिले शिवे सर्वाध साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय भवानी। नमस्कार, मैं शोभा कुमारी, आपका स्वागत है निशन भारत में। आज हम बात करने वाले हैं आदि शक्ति माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा को जगत जननी भी कहते हैं, अर्थात जगत को जन्म देने वाली। कहते हैं हरि के हजार नाम होते हैं, उसी प्रकार माँ दुर्गा को भी कई नामों से जाना जाता है। या यूं कहें कि समस्त देवी माँ दुर्गा का ही रूप है। माँ दुर्गा के रूप की बात करें तो अतुलनीय तथा अद्भुत रूप है माँ का। आंखों में करुणा, चेहरे पे सूरज सा तेज, हाथों में बरछी, कटार, तलवार, जैसे अनेक अस्त्र सिंह की सवारी, फिर भी माँ के चेहरे पर बरबस करुणा और ममता नजर आता है। सचमुच माँ का रूप निराला है। माँ दुर्गा को पाप विनाशिनी भी कहते हैं। कहते हैं जो भक्त माँ को सच्चे दिल से याद करते हैं, माँ उनकी हर मुराद पूरी करती है। धर्म की रक्षा करने वालों की माँ रक्षा करती है तथा अधर्मियों का भक्षण करके उनका संहार करती है। माँ दुर्गा कई रूपों में इस धरा के कण कण में वास करती है। अन्नपूर्णा, भवानी, लक्ष्मी, शारदा, काली, गौरी, माँ का हर रूप पूजनीय है। माँ दुर्गा सर्वत्र और सदैव पूजनीय है, परंतु नवरात्रि के दिनों में इनके नौ रूपों की पूजा का विशेष महत्व है। हमारे भारत देश में वर्ष में तीन नवरात्रि की विशेष महत्ता है। चैत मास की नवरात्रि, अषाढ़ मास की नवरात्रि, इसे गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं, तथा अश्विन मास की नवरात्रि। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान एवं पवित्रता से की जाती है। लोग नौ दिनों का उपवास रखकर पाठ करते हैं ताकि माँ उन्हें हर दुविधा से दूर रखे। माँ दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में लाल वस्त्र व लाल पुष्प का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो आप किसी भी दिन माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, परंतु सोमवार और शुक्रवार माँ की पूजा का विशेष महत्व रखता है। माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप है, अतः इनके भक्तों को भी आशीर्वाद फल स्वरूप तेज और शक्ति प्राप्त होता है। माँ दुर्गा संपूर्ण कला एवं विद्याओं की देवी है, अतः तंत्र साधना सीखने वाले भी माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। लोग माँ दुर्गा के काली रूप की उपासना तंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए करते हैं। अगर आप भी अपना जीवन सफल करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा अर्चना व उपासना अवश्य करें। वैसे तो माँ अपने भक्तों के श्रद्धा मात्र से प्रसन्न हो जाती हैं, परंतु ममता में माँ को उनकी पसंद की चीजें अर्पण करके आप शीघ्र पसंद कर सकते हैं। तो अगली बार माँ की पूजा करते वक्त लाल वस्त्र, लाल पुष्प, 16 श्रृंगार, नारियल, 5 सुपारी, बेलपत्र, फल मिठाई, मेवा तथा लौंग इलायची जैसी चीजें अर्पण करना ना भूलें। माँ दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी भी है। अर्धनारेश्वर रूप में हमें माँ दुर्गा और भगवान शिव के अनोखे और अद्भुत रूप का दर्शन होता है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।